Hello students, welcome to Chance to Take. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the 8th part of your first biology chapter, which name is life process, life processes or just life process. Student, आज हम लोग आपने इस first life जो biology का chapter है आपका life process, इसके 8th part को लेके हम लोग start कर रहे हैं, 8th part को पढ़ने जा रहे हैं. अब इस 8th part को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे पहले आपको हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम लोग जो पिछले वाला पार्ट यानी पार्ट 7 है, इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं. तो पार्ट 7 में हम लोग अपने डाइजेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद, अपने डेंटल कैरीज को पढ़ने के बाद, हम लोग स्टार्ट किए थे रेस्पिरेशन को पढ़ना कि रेस्पिरेशन क्या होता है. तो रेस्पिरेशन में हम लोग अपने रेस्पिरेशन के बेसिक को जाने थे, साथ ही साथ ये भी जाने थे कि हमारा ATP क्या होता है, ठीक है, ADP क्या होता है, फॉर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो क्या होते हैं, साथ ही साथ हमारे रेस्पिरेशन के चलते जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ये एनर्जी का फॉर्मेशन आपका किस प्रकार से होता है और कैसे होता है, इसको हम फिर से आपको बताने का प्रयास करें कि हमारे हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले तो वो कहाँ होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. और माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार से होता है, तो जो भी मान लीजिए कि आपका बॉडी के अंदर जो आप फूड खाएं वो कम्प्लीटली क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ. डाइजेस्ट किस फॉर्म में हुआ, मान लीजिए ग्लूकोज के फॉर्म में आपका डाइजेस्ट हुआ. अब ये ग्लूकोज क्या होगा, अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, ये आपके पाइरूवेट में यानी पाइरूवेट एसिड यानी कि पाइरूवेट में क्या होगा, चेंज होगा. ये आपका किस में चेंज होगा, पाइरूवेट में चेंज होगा. कैसे चेंज होगा, आपका ऑक्सीडाइज होके, ये आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा. ऑक्सीडाइज होने के बाद आपका पाइरूवेट में चेंज होगा. कहाँ चेंज होगा, आपका साइटोप्लाज्म के अंदर चेंज होगा. कहाँ चेंज होगा, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर चेंज होगा. अब ये जो आपका पाइरूवेट का फॉर्मेशन है बाबू, ये पाइरूवेट का फॉर्मेशन आपके एरोबिक और एनारोबिक दोनों में यहां तक ये काम कॉमन होता है. अब ये जो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट का फॉर्मेशन हो गया है, अब ये पाइरूवेट जो होगा फिर से ये भी ऑक्सीडाइज होगा. और ये पाइरूवेट आपके दो कंडीशन में ऑक्सीडाइज होंगे, एक आपका ऑक्सीडाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ O2, एक आपका ऑक्सीडाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ O2, और दूसरा जो ऑक्सीडाइज होगा इन एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ O2. जब आपका ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, उस वक्त ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपका लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा. लेकिन जब आपका ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपका ऑक्सीडाइज होगा, तब ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका समझिए तो लैक्टिक एसिड, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो लैक्टिक एसिड या तो अल्कोहल, ठीक है, इन सब चीजों का फॉर्मेशन करेगा. और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी तो बनाएगा, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा. तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है कि जो हम लोग के पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन होता है, हमारे पाइरूविक एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है, वो हमारे अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तब आपका क्या होगा और उसको क्या बोलेंगे, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तब क्या होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है. तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पाइरूवेट के ऑक्सीडेशन कब, जब हमारा ऑक्सीजन क्या हो, प्रेजेंट हो. यानी कि सबसे पहला आपका रेस्पिरेशन का टाइप आ रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. तो ऐसा रेस्पिरेशन जो हमारे ऑक्सीजन के यूज करके हो, यानी हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन को यूज करके हो, उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है. एरोबिक, एरोबिक का मतलब होता है विथ एयर, यानी कि जो हमारे ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, उस तरह के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे. अब ये जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हमारे ह्यूमन बींग एनिमल्स में ज्यादातर जो आपका रेस्पिरेशन होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, ठीक है. अब एरोबिक रेस्पिरेशन की खास बात यह होती है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा मात्रा में आपके एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन का जो साइट होता है वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया. ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं. अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये आपके किस प्रकार से होते हैं, सबसे पहले हम ध्यान दीजिए. मान लीजिए कि जो आपका एसिमिलेटेड फूड है वो ग्लूकोज के फॉर्म में आ रहा है, किसके फॉर्म में आ रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में, C6
C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में आ रहा है आपका कौन जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो। अब ये ग्लूकोज जो होगा ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से, किसके प्रोसेस से, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से बिना ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडाइज होगा, और बिना ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज होकर ये किसमें चेंज होगा, आपका पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट में चेंज होगा। ये पाइरुविक एसिड पाइरुवेट जिसका आपका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COCOH, ये आपका पाइरुवेट का फॉर्मूला होता है। अब ये पाइरुवेट जो होगा ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये पाइरुवेट जो होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, कहां ऑक्सीडाइज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होकर हमको क्या देगा, ऑक्सीडाइज होकर हमको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज होकर हमको वाटर देगा और हमको 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एनर्जी देगा। यानी एक आपका देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन जो है वो आपके दो पाइरुवेट में चेंज होते हैं, और ये दो पाइरुवेट जो है वो 38 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी में चेंज होता है। कितना, 38 मॉलिक्यूल ऑफ आपके एटीपी एनर्जी में चेंज होता है। तो यहाँ पे दो पाइरुवेट आपके 38 एटीपी मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी में चेंज हो रहे हैं। इससे आप समझिए कि हमारा एनर्जी कंटेंट जो है वो कितना ज्यादा आपका क्या हो रहा है, बन रहा है। कब, जब आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पाइरुवेट आपके ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तब। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो आपके सेल का क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल। तो जिस रास्ते से आपका वो ऑक्सीजन आया था हमारे सेल तक, उसी रास्ते से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ये हमारे बॉडी से आपके नॉस्ट्रिल और नोज से होते हुए, लंग्स नॉस्ट्रिल नोज से होते हुए ये हमारे बॉडी से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये वाटर जो है, ये वाटर हमारे सेल में स्टोर कर लिया जाएगा। क्यों स्टोर किया जाएगा, क्योंकि आपको कल बताए थे, क्योंकि आपका एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है, वो जो एटीपी का आपका फॉर्मेशन हो रहा है ये आपका कब हो रहा है, तो जो ये एनर्जी निकल रहा है इसी एनर्जी का यूज करके हमारा एडीपी और हमारा फॉस्फेट, एडीपी और फॉस्फेट ये कंबाइन होते हैं तब जाके आपका क्या बनता है, एटीपी बनता है। यानी कि आपका ये एनर्जी कंटेंट बनता है किसके प्रेजेंस में, इस एनर्जी के प्रेजेंस में जो हमारा रेस्पिरेशन से निकला है। लेकिन दोबारा जब इस एटीपी को तोड़ना होता है एडीपी में, फॉस्फेट में या एनर्जी में, तब हम इसी वाटर का यूज करते हैं, और इसी वाटर का यूज करके हम इस एटीपी को तोड़ते हैं, और ये एटीपी आपका कन्वर्ट होकर एडीपी और आपके फॉस्फेट और एनर्जी में टूटता है। ये सब आपको कल बातें बताई गई थी, इसीलिए वाटर जो है आपका ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होकर आपका एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे सेल के अंदर, ठीक है। चलिए, अब ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स होता है, यही आपका साइट होता है किसका, एरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो आपके पाइरुवेट का या पाइरुविक एसिड का जो ब्रेकडाउन होता है, क्या देने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए, वाटर देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, या कहां पे आपका होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका होता है, ठीक है। ये देखिए यहां पे आपको एक सब्सटेंस दिखाया है जो कि आपका एक ऑर्गेन, The organ organelles in this picture is mitochondria where aerobic respiration in a cell आपका takes place। यही आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया है जिस जहां पे आपका क्या होता है, सेल का ये एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक डॉग का पिक्चर दिखाया है, बस ये कहने का प्रयास कर रहा है कि डॉग भी क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू अपने बॉडी के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आपको ईस्ट का जो सिंगल सेल्ड फंगी है वो ईस्ट है, ईस्ट के बारे में बताया गया है कि ये जो आपके ईस्ट हैं वो एनर्जी का फॉर्मेशन तो करते हैं, लेकिन किस बैक्टीरिया, किस रेस्पिरेशन के हेल्प से, एनारोबिक रेस्पिरेशन के हेल्प से। इनके पास जो आपका रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत कम एनर्जी पे भी जीवित रह सकते हैं, और उतना एनर्जी हमारा विदाउट ऑक्सीजन भी क्या होता है, पाइरुवेट कन्वर्ट करा देता है। तो ये आपका ईस्ट के अंदर जो आपका रेस्पिरेशन होता है वो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, आपका ये कंटेन करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, ये गेन करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे अपने एरोबिक रेस्पिरेशन का अपोजिट, जो कि हमारा होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एक ऐसा रेस्पिरेशन जो हो रहा तो हो, जो हो रहा हो लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में, किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। देखिए यहां तक का जो प्रोसेस है ये तो आपका कॉमन है, ग्लूकोज जो होगा ये आपके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से पाइरुवेट में चेंज होंगे। यहां तक का जो प्रोसेस है वो क्या है, कॉमन है। इसके बाद ये जो पाइरुवेट होगा ये आपके ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होंगे, आपका ऑक्सीडाइज होंगे, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में ऑक्सीडाइज होंगे, और डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं। यहां पे जो आपको हम रिएक्शन दिए हैं ये रिएक्शन जो है वो आपके प्लांट का है, यानी कि ईस्ट का है,
ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये पाइरूवेट क्या करेंगे, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो किस में ऑक्सीडाइज करेंगे, तो इथेनॉल में, इथेनॉल का मतलब कि अल्कोहल में, अल्कोहल में आपके ऑक्सीडाइज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और मात्र दो एटीपी एनर्जी। सोचिए जहां पे ऑक्सीजन जब था 38 एटीपी एनर्जी निकल रहा था और यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो ही एटीपी एनर्जी निकल रहा है। सोचिए कि आपको ऑक्सीजन के एब्सेंस हो जाने से हमारा एनर्जी कंटेंट जो है वो कितना आपका क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो जब आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारा ये पाइरूवेट क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइज होगा प्लांट्स में, तो ये इथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और ये किसका फॉर्मेशन करेगा, सिर्फ और सिर्फ दो ही एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। ऐसी बात नहीं है कि ये आपके एनिमल्स में नहीं होता है। आपको प्लांट्स का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हैं, प्लांट्स का रिएक्शन बताए हैं, तो ये मत सोचिएगा कि एनिमल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है। एनिमल्स के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, तुरंत आपको हम बताने वाले हैं वो भी, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम बताएंगे। तो आपने ये अब इस ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ हो रहा है तो समझिए, द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। कुछ आपके माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं, कुछ आपके माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं जो आप सब्सटेंस कह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपका ईस्ट हो गया या कुछ बैक्टीरिया हो गए, ये एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं इसी एनारोबिक रेस्पिरेशन से, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक, फर्मेंटेशन आपको आगे बताएंगे कि ये फर्मेंटेशन आपका क्या होता है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इंटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। यही जो प्रोसेस होता है इसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। समझिए क्या है, कह रहे हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक जैसे ईस्ट, ये हमारे ग्लूकोज को ब्रेक करता है किस में, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए ये किस प्रकार से आपका होगा, आपको क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है, आपको क्या करना है एक टेस्ट ट्यूब लेना है। इस टेस्ट ट्यूब में आपको शुगर सॉल्यूशन ले लेना है, शुगर सॉल्यूशन यानी कि ग्लूकोज आपको ले लेना है। फिर इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, इस ये शुगर सॉल्यूशन जो आपने ले लिया इसमें आपको क्या करना है, ईस्ट ऐड करना है, ईस्ट पाउडर ऐड करना है, ईस्ट पाउडर क्या करना है ऐड करना है और इस टेस्ट ट्यूब के माउथ को पूरी तरीके से टाइट पैक कर देना है एक हार्ड कॉर्क से। अब क्या करना है कि इस कुछ देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, जब छोड़िएगा फिर ये कैप खोलिएगा तो ये ईस्ट जो होगा, ये सब्सटेंस को जो आप स्मेल करेंगे तो बहुत ही खराब स्मेल आएगा, वो स्मेल एग्जैक्ट आपका किसके जैसा आएगा, अल्कोहल के जैसा, अल्कोहल के जैसा स्मेल इसलिए आएगा क्योंकि उसके अंदर क्या बन चुका है आपका, उसके अंदर आपका बन गया है इथेनॉल, क्या बन गया है, इथेनॉल बन गया है, ठीक है, उसके अंदर क्या बन गया है, इथेनॉल बन गया है। और इस कर्क माउथ, ये आपका जो कर्क होगा इसको जब हटाइएगा तो इसमें से कोई गैस निकलेगा, क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। इस गैस को आप क्या कीजिए, लाइम वाटर से पास कराइए, किससे पास कराइए, लाइम वाटर से। जब इस गैस को आप लाइम वाटर से पास कराइएगा तब ये लाइम वाटर जो है वो आपका मिल्की व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, मिल्की व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा। तो लाइम वाटर में जब हम जब कोई गैस आपका क्या होता है, पास होता है और वो मिल्की व्हाइट में चेंज होता है तो समझ जाइए कि वो गैस कौन सा है, तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाले गैस जो आपके इस टेस्ट ट्यूब के माउथ से जो गैस निकला था, ये गैस हमारे लाइम वाटर को मिल्की व्हाइट में चेंज किया, इट शोज दैट कि यहां से कौन सा गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अभी आपने जो स्मेल किया, स्मेल करने से आपको ये पता चला कि इसमें कौन सा सब्सटेंस बना है, इथेनॉल बना है, और ये जो गैस निकला, इस गैस से आपको ये पता चला कि वो गैस कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब कि यहां पे ये जो शुगर सॉल्यूशन यानी ग्लूकोज था, इसके ऊपर ये ईस्ट अपना एक्शन करके क्या कन्वर्ट किया, इथेनॉल और अल्कोहल को क्या किया, कन्वर्ट, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ और ये आपके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। इसीलिए कहा जाता है ये ईस्ट का एक्शन से बना हुआ इथेनॉल, और ईस्ट चूंकि आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अपने रेस्पिरेशन को करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन को करता है, जिसके चलते इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या है, आपका प्रोसेस है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपने समझा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका क्या होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जैसे कि आपका ईस्ट है, ये क्या होते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड और किसमें, एनर्जी को, बहुत कम मात्रा में एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, चलिए,
ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाय एनरोबिक रेस्पिरेशन कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन. फॉर एग्जाम्पल द सिंगल सेल्ड नॉन ग्रीन प्लांट कॉल्ड ईस्ट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन बिकॉज इट्स ऑब्टेन एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ एनरोबिक रेस्पिरेशन. जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स एनरोबिक रेस्पिरेशन से अपने एनर्जी को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं. बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो बिना ऑक्सीजन के ही क्या हो जा रही है, आपका बन जा रही है. बिना ऑक्सीजन से ही वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर ले रहे हैं. तो उनको उनके जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है. चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे अपने ह्यूमन बींग में. अब हम लोग क्या बात करेंगे ह्यूमन बींग में. देखिए ऐसी बात नहीं है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट्स में या ईस्ट में ही होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन कभी ना कभी हमारे बॉडी के अंदर भी हो जाता है. ठीक है, अब हमारे बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, तो जब आप बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं, बहुत ज़्यादा फाइग्रस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, उस वक्त हमारे मसल में ऑक्सीजन की अचानक से कमी हो जाती है. कमी इसलिए हो जाती है कि जब बहुत ज़्यादा आपका कोई पार्टिकुलर ऑर्गेन पार्टिकुलर पार्ट जब बहुत ज़्यादा आपका यूज होता है, बहुत ज़्यादा वो एक्सरसाइज करता है, तो उसके अंदर एनर्जी जो है वो जल्दी जल्दी उसकी एनर्जी जो है वो यूज की जाती है. और एनर्जी जल्दी जल्दी यूज करने के चलते ऑक्सीजन को बहुत फास्टली वर्क करना पड़ता है. और अचानक से एक समय आता है कि उसमें का ऑक्सीजन सारा यूटिलाइज कर दिया जाता है. उसमें का जो ऑक्सीजन है, उस पार्टिकुलर पार्ट का जो ऑक्सीजन है, वो सारा ऑक्सीजन क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है. अब जब टोटल ऑक्सीजन आपका यूटिलाइज हो जाएगा और हमारे ऊपर से ऑक्सीजन आएगा नहीं, तो अचानक से उस पार्टिकुलर ऑर्गन में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी. ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाएगी तो वहां का जो पाइरूवेट है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. और जब पाइरूवेट आपके ऑक्सीजन के एब्सेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं, तो इसी रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. और उस वक्त हमारे बॉडी में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है. और एनर्जी का बोले तो सिर्फ दो ही एटीपी एनर्जी मिलता है, जिसके चलते आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने के चलते वहां ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, क्योंकि वहां लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट कर जाता है, जम जाता है, और बहुत ही तेज वहां दर्द होता है, जिस कंडीशन को हम लोग क्रैम्प कहते हैं. उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रैम्प कहते हैं. जो अक्सर आप लोग देखे होंगे क्रिकेट एथलीट्स रनर या फुटबॉलर के पैरों में अचानक से ये पैर पकड़ के क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, पैर पकड़ के ये चिल्लाने लगते हैं. क्यों? क्योंकि एक पार्टिकुलर ऑर्गन में ऑक्सीजन की इंस्टेंट कमी हो गई है, और इंस्टेंट कमी होने के चलते वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया है, जिसके चलते वहां लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया. और ये लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के चलते इनको बहुत ही ज्यादा पेन होता है, और इसीलिए दर्द के मारे क्या होते हैं, अपने चिल्लाते हैं. तो कहने का मतलब है कि हमेशा तो नहीं लेकिन हमारे बॉडी में कभी ना कभी आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. जब हमारे बॉडी का कोई पार्ट बहुत ही हैवी एक्सरसाइज कर रहा हो, वहां पे आपका इंस्टेंट ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अचानक से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. और उस वक्त उस पार्ट के अंदर जो पाइरूवेट होते हैं या पाइरूविक एसिड होते हैं, वो आपका इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. और जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो लैक्टिक एसिड में, और दो ही एटीपी ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं. ये लैक्टिक एसिड जो हमारा इनऑर्गेनिक एसिड है, जो हमारा जो कि हमारा ऑर्गेनिक एसिड है, और जो हमारा वीक एसिड है. ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3H6O3. ठीक है, क्या होता है, C3H6O3. ये लैक्टिक एसिड जो बेसिकली वीक एसिड होते हैं हमारे बॉडी या हमारे जनरल आपके नेचर में. चलिए, तो आपका व्हेन ऑक्सीजन गेट्स यूज्ड अप फास्टर इन द मसल सेल्स देन कैन बी सप्लाइड बाय द ब्लड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वो कौन सा ऐसा वो कब आपका ऐसा सिचुएशन बनता है जब आपका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई जो हमारा ब्लड करता है उसके रफ्तार से ज्यादा जब तुम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने का रफ्तार करोगे, तब तुम्हारे ऑक्सीजन का कमी होता है, और तब वहां एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे जब एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके बॉडी में हो जाएगा, यानी आपकी बॉडी में जब क्रैम्प आ जाएगा, फिर उसको आप ठीक कैसे करोगे. तो वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प इन मसल्स कॉज्ड बाय हैवी एक्सरसाइज बाय टेकिंग ए हॉट वाटर बाथ और मसाज. ठीक है, जब आपके बॉडी के किसी पार्ट में क्रैम्प आ जाता है, तो उसको गर्म पानी से धोने से, उसको मसाज करने से वहां के लैक्टिक एसिड जो है वो ब्रेक होते हैं. और जब लैक्टिक एसिड ब्रेक होते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे कंटिन्यू होता है. और ब्लड का सर्कुलेशन कंटिन्यू होगा तो फिर आपको ऑक्सीजन वहां पहुंचेगा, और जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तो फिर वहां एरोबिक रेस्पिरेशन चालू होगा, जिससे आपको आराम मिलेगा, जिसको आपको राहत मिलेगा. लेकिन उस लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन को ब्रेक करना जरूरी है. और उस लैक्टिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन होता है वो आपके
गर्म पानी के बाद से या आप मसाज करने से ये क्या होते हैं, वो लैक्टिक एसिड ब्रेक होते हैं और तब आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस और ऑक्सीजन के एब्सेंस पे क्या थे, डिपेंड थे। जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस जो हमारा पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, इस पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड में जब ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तब हमारा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो केस है वो बनता है। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से टेबल के अनुसार हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या आपका डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सब बताया हुआ है, जल्दी जल्दी इसको जान लेते हैं। सबसे पहला कि एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। दूसरा, हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन जो उसमें फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन में फ्लूड का आधा अधूरा ब्रेकडाउन होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। तीसरा, जो इन प्रोडक्ट होते हैं हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन के, वो CO2 और वाटर होते हैं। ठीक है, और हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो इन प्रोडक्ट होता है वो आपका इथेनॉल हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, या अगर हम लोग एनिमल्स का बात करें तो लैक्टिक एसिड हो सकता है। ठीक है, चौथा, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपका क्या था, डिफरेंस था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, आइए अब हम आते हैं और बात करते हैं अपने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो किस प्रकार से होता है। जैसे हमको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वैसे प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। वो भी अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को करने के लिए ऑक्सीजन ही लेता है। ठीक है, और आपका CO2 जो है वो क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अभी अभी जो पढ़े हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, अभी अभी हम क्या पढ़े हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, इस रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में और इस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या क्या डिफरेंट है। हमारे प्लांट का रेस्पिरेशन जो है वो किस प्रकार से हमारे एनिमल्स के रेस्पिरेशन से क्या है आपका डिफरेंट है। तो ऐसे तीन आपके पॉइंट है, जिस तीन पॉइंट में हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट जो है वो हमारे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स से डिफरेंस है। और वो तीन पॉइंट कौन कौन से है, तो सबसे पहला है कि ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, ऑन द अदर हैंड एनिमल परफॉर्म्स रेस्पिरेशन एज ए सिंगल यूनिट। हमारे एनिमल के अंदर एक सिंगल यूनिट में रेस्पिरेशन होता है, जबकि हमारे प्लांट के हर एक पार्ट में अपना अलग अलग रेस्पिरेशन होता है। रूट अपना रेस्पिरेशन अलग कर रहा है, स्टेम अपना रेस्पिरेशन अलग कर रहा है, उधर लीव्स अपना रेस्पिरेशन अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पार्ट, हमारे प्लांट के अलग अलग पार्ट में अपना अपना इंडिविजुअल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, दूसरा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर, ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेटरी गैसेस आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड द एनिमल। अब चूंकि आपका एनिमल के अंदर एक ही जगह पे सारे गैस जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा हम लोग ह्यूमन बींग हैं, तो हम लोग ह्यूमन बींग हैं, तो हम लोग जो ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो ये ऑक्सीजन टोटल कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा, और इस लंग्स से हमारे पूरे बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो लंग्स अगर हमारा इधर चेस्ट एरिया में है और मान लीजिए हमारे पैरों तक उस ऑक्सीजन को भेजना है तो कितना लंबा दूरी तय कराना पड़ेगा। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, प्लांट में चूंकि वो अपना अपना ऑक्सीजन सब लोग लेते हैं, सबके पास ये कैपेबिलिटी है अपने अपना ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि सब लोग अपना अपना रेस्पिरेशन करते हैं, तो किसी भी आपके ऑक्सीजन के किसी भी मॉलिक्यूल को एक लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती है, एक पार्ट से किसी दूसरे पार्ट में नहीं जाना पड़ता है, एक ही पार्ट में बस क्या होता है, ट्रांसफर होना पड़ता है। तो वहां पे शॉर्ट डिस्टेंस आपके उस ऑक्सीजन को क्या करना पड़ता है, तय करना पड़ता है। ठीक है, तीसरा, द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स एट ए स्लो रेट, ऑन द अदर हैंड द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अकर्स एट ए मच फास्टर रेट। जो हमारे प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, हमारे प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत स्लो रेट से होता है, लेकिन हमारे एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत ही फास्टली रेट से होता है। ठीक है, चलिए, प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय द डिफ्यूजन, यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट जानना है कि जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को कैसे आपका प्राप्त करता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से प्राप्त करता है, ये अपने डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्लांट्स हैव ए ब्रांचिंग शेप, सो दे हैव क्वाइट अ लार्ज सर्फेस एरिया इन द कंपेरिजन टू देयर वॉल्यूम, देयरफॉर डिफ्यूजन अलोन कैन सप्लाई ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट
विथ सो मच ऑक्सीजन एज द नीड फॉर द रेस्पिरेशन. डिफ्यूजन अकर्स इन द रूट स्टेम्स एंड लीव्स. कह रहा है कि ये जो प्लांट्स हैं इनके पास ब्रांचिंग शेप होते हैं, इससे इनका जो आपका सरफेस एरिया है वो क्या होता है, बढ़ जाता है. सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिसके कारण आपके ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने का एरिया बढ़ता है, और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं. और डिफ्यूजन के ही प्रोसेस से आपके जितने भी ऑक्सीजन है आपके प्लांट के बॉडी के अंदर, प्लांट के पार्ट के अंदर, सिर्फ डिफ्यूजन का ही प्रोसेस पर्याप्त है सारे ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए, किसी और प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है. क्योंकि इनके जो आपके सरफेस होते हैं, इनके पार्ट्स के जो सरफेस होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं कि वहां पर अकेला डिफ्यूजन ही पर्याप्त है सारे ऑक्सीजन के सप्लाई को पूरा करने के लिए. ठीक है, अब देखिए, चाहे हम बात करें रूट्स का, चाहे हम बात करें स्टेम्स का, चाहे हम बात करें लीव्स का, इन तीनों पार्ट्स में आपका जो ऑक्सीजन आता है वो भले आपका अलग अलग ऑर्गेन में आता हो, अलग अलग कंपोनेंट में आता हो, लेकिन आता है डिफ्यूजन के ही प्रोसेस से. किस प्रोसेस से आता है? डिफ्यूजन के ही प्रोसेस से आता है. ठीक है, चलिए अब आपसे हम बात करें कि डिफ्यूजन, बार बार हम बोल रहे हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है. तो डिफ्यूजन आप लोग क्लास नाइन्थ में भी सेल चैप्टर में पढ़े हैं, तो बताइए आप लोग को पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होना है. डिफ्यूजन का मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर एक हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से एक लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में होता है, तो इसी प्रोसेस को, इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं. ठीक है, और ये डिफ्यूजन आपका ऑस्मोसिस से कैसे अलग होता है, तो ऑस्मोसिस में जो मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा वो सिर्फ फ्लूइड का ही होगा या सिर्फ वाटर का ही होगा, और उसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है. लेकिन डिफ्यूजन में आपका किसी मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, और यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी मॉलिक्यूल्स का आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन क्षेत्र से एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आपका मूवमेंट हो सकता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे वन बाई वन अपने प्लांट्स के पार्ट में रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे. तो प्लांट के पार्ट्स में जैसे मान लीजिए रूट है, तो रूट में आपका रेस्पिरेशन कैसे होता है, मान लीजिए कि आपका लिप्स है, लिप्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, या स्टेम है तो स्टेम में रेस्पिरेशन जो है वो किस प्रकार से होता है, इसको हमको पढ़ना है. तो सबसे पहले बात करेंगे हम रूट में, तो सबसे पहले हम रूट के बनावट को समझेंगे कि हमारा रूट का बनावट कैसे होता है. तो द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल ऑफ अ रूट आर कॉल्ड रूट हेयर. जो हमारे रूट का एपिडर्मल सेल होता है, हमारे रूट का जो एपिडर्मल सेल होता है इसमें बहुत सारा एक्सटेंशन होता है. जैसे देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे सॉइल में किया जाके पूरी तरीके से क्या है, फैल चुका है, और जितना हमारे सॉइल में फैला है इन सब फैले हुए स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं. ये क्लियर है कि इसको हम क्या कहेंगे, रूट हेयर्स कहते हैं. ठीक है, चलिए, द रूट हेयर आर इन द कॉन्टेक्ट विद द एयर इन द सॉइल. हमारा जो सॉइल है, ये मान लीजिए सॉइल है, सॉइल के प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़े होंगे कि सॉइल की प्रॉपर्टी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में आपका स्पेस होता है, और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एयर को कंटेन करते हैं. देखिए, ये जितना भी आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये सब आपका एयर स्पेस है. इन सब में आपका क्या होता है, एयर भरा हुआ रहता है. इन सब में क्या होता है, एयर आपका भरा हुआ रहता है, और उसी सब स्पेस में हमारे रूट हेयर्स जो है वो आपके जाके इंजेक्ट हुए रहते हैं, इसी सब स्पेस में हमारे रूट हेयर इंसर्ट हुए रहते हैं. ठीक है, आइए, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द रूट हेयर्स एंड रीचेज ऑल द अदर सेल्स ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन. अब ये ऑक्सीजन जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में पड़े हुए हैं, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये इस सॉइल से निकल के हमारे रूट हेयर्स में क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे. अब जब रूट हेयर्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो इस रूट हेयर्स के माध्यम से हमारे पूरे रूट में ये ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, वो क्या हो, पहुंच जाएंगे. ठीक है, अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मूव्स आउट थ्रू द सेम रूट हेयर्स. अब मान लीजिए कि ये हमारे सॉइल के पार्टिकल्स में से ऑक्सीजन निकले और निकल के हमारे रूट हेयर्स के माध्यम से रूट में गए, तो रूट में जाने के बाद वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे तो एंड प्रोडक्ट के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका क्या निकलेगा, समझिए तो वेस्ट मटेरियल के रूप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको भी इस रूट से क्या होना है, बाहर निकलना है. तो इस रूट में जो आपके ये रूट हेयर्स हैं, इस जिस रास्ते से आपको ऑक्सीजन आया था उसी रास्ते से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो भी हमारे इस रूट हेयर्स के माध्यम से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा. ठीक है, दस द रेस्पिरेशन इन रूट्स अकर्स बाय द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज थ्रू द रूट हेयर. तो यहाँ पे जो आपका रेस्पिरेशन हुआ है रूट में, ये हमारे रेस्पिरेटरी गैसेज के अंदर जो आपका डिफ्यूजन हुआ है उसी से हुआ है. फिर से समझते हैं,
कि ये जो हमारा रूट हेयर है ये हमारे सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में गया, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में आपका जो आपका एम्प्टी स्पेस है वहां ऑक्सीजन का मात्रा होता है, इतना मात्रा होता है कि वहां ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है और हमारे इस रूट हेयर्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो हो जाता है, जिसके चलते ऑक्सीजन हमारे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होते हैं, भागना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमारे सॉइल के बीच में जो पार्टिकल्स हैं वहां से निकल के हमारे रूट हेयर्स में जाना स्टार्ट करते हैं। अब रूट हेयर्स में जब आपका वो ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है तो इस रूट हेयर्स के माध्यम से पूरे रूट में हमारा वो ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके चलते हमारे रूट के अंदर क्या होते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब जब हमारे रूट के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तो हमारा फिर रेस्पिरेशन होने के बाद वेस्ट मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब आपके कार्बन डाइऑक्साइड यानी रूट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कंसंट्रेशन हाई हो जाता है और हमारे रूट हेयर्स के बाहर यानी हमारे सॉइल में कंसंट्रेशन लो हो जाता है, जिसके चलते हमारे रूट हेयर्स के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर से अब बाहर जाना स्टार्ट करता है और इसी को कंप्लीट हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन इन रूट कहते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी गैसेज में डिफ्यूजन के प्रोसेस से हुआ आपका क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां पे आके हमने ये देखा कि हमारे प्लांट में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है और फिर हमने क्या पढ़ा कि हमारे प्लांट में एक ही पार्ट को हम लोग अभी पढ़े हैं कि हमारे प्लांट में वैसे तो तीनों पार्ट में आपका रेस्पिरेशन होता है, रूट में रेस्पिरेशन अपना होता है, स्टेम में भी अपना रेस्पिरेशन होता है और लिप्स में भी अपना रेस्पिरेशन होता है, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ रूट में जो रेस्पिरेशन होता है तो कैसे होता है इसके बारे में पढ़े हैं। जो हम लोग पार्ट 9 पढ़ेंगे यानी इसके अगले वाला जो पार्ट पढ़ेंगे 9th पार्ट, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमारे प्लांट के स्टेम में रेस्पिरेशन कैसे होता है और उसी में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे प्लांट के लिप्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे हम लोग इसके अगले वाले पार्ट यानी 9th पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई कीजिए।